થયો છે. તો આપણે સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આનંદ રાઠી વેલ્થના ચેરમેન આનંદ રાઠી અને ડેપ્યુટી સીઈઓ ફિરોઝ અઝીઝ. આપ દોનો કા સ્વાગત હૈ. और पहले तो राठी जी ये बताएं कि ये जो नंबर्स आए हैं एक थोड़ा डीग्रोथ देख रहे हैं क्लाइंट एडिशन में, लेकिन एक ओवरऑल नंबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर फिगर्स देखें तो देखना चाहिए पिछले वर्ष के मुकाबले क्या है जी. पिछले वर्ष के मुकाबले 32% हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ आई है, 37% प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, एम भी 20% की बढ़ोतरी हुई है. तो इसलिए क्या क्वार्टर टू क्वार्टर, तो क्योंकि लास्ट क्वार्टर हमारा एक्सपेक्टेड से अच्छा था, इसलिए क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट इज द इम्पोर्टेंट. आप सभी कंपनियों की अगर देखेंगे ग्रोथ, तो ईयर टू ईयर क्या ग्रोथ है, तो पिछले 9 महीनों की ग्रोथ अगर आप देखें तो आप बड़ी 32% की रेवेन्यू और 36% का प्रॉफिट ग्रोथ, मैं समझता हूँ मार्केट के लिए डेफिनेटली एक अच्छा मार्केट को लगेगा कि इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं. हमने जो पहले गाइडेंस दी थी कि हम 155 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे एक साल में, उसकी बजाय हम रिवाइज कर रहे हैं गाइडेंस, इसको 155 की जगह 165 करेंगे. तो आप देखिए कि अभी सभी तरीकों में कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है. क्वार्टर टू क्वार्टर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है, पिछले 12 महीने में 4% काली बढ़ोतरी हुई है निफ्टी में, उसके बावजूद भी अगर हमारी परफॉर्मेंस उस लाइट में अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि हमारे शेयर होल्डर बहुत इसको अप्रिशिएट करेंगे और मार्केट भी समझेगा कि भाई ऐसे मार्केट में हम लोग एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं. एब्सोल्युटली, और मार्केट समझ रहा है, आप आज भी पॉजिटिव ग्राउंड पे ही आज ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में. लेकिन फिरोज़, गुड मॉर्निंग. जैसे हमने देखा है कि ऑफकोर्स मार्केट में अगर लास्ट काफ़ी सारे महीने एक स्लो डाउन रहे हैं, वॉलेटाइल रहे हैं, जो भी आपके क्लाइंट एडिशन जो नहीं हुआ है, क्या रीज़न देख रहे हैं? क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए, और अदरवाइज क्लाइंट्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ऐसे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन्स देखें तो एक कांस्टेंट है, प्रॉफिट देखें तो एक कांस्टेंट रहा है, तो थोड़ा बहुत तो बिजनेस हुआ है, लेकिन कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? चांदी जी नमस्कार. अगर आप क्लाइंट एडिशन, जैसे आपने एक दो बार पूछा उसके बारे में, तो क्लाइंट एडिशन 9 महीने में लास्ट ईयर 801 थे और इस 9 महीने में 1120 है. तो क्लाइंट एडिशन की ग्रोथ, जैसे लास्ट ईयर सेम 9 महीने में हमने 800 किए तो 325 एक्स्ट्रा किए. सो क्लाइंट एडिशन की पेस बड़ी है इस 9 महीने में, दैट्स वेरी वेरी क्लियर. पॉइंट टू, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स भी बड़ी है. जिस पैसे को लेके आते थे अब उससे 80% ज्यादा से स्टार्ट करे हैं ये 1100 क्लाइंट, दैट्स पॉइंट टू. पॉइंट थ्री, ऐसे समय में जहां मार्केट इतनी अच्छी नहीं करती, हमारा बिजनेस और थोड़ा अच्छा करता है क्योंकि बुरे वक्त में क्लाइंट हमारे दोस्त उनके दोस्तों को रेफर करते हैं, पॉइंट वन. पॉइंट टू, उनको पता लगता है कि यार मार्केट में आनंद राठी का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे एफिशिएंट हो, तो पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं. इसीलिए जो नए पैसे मिले हमें 3750 करोड़ अंदाजन, वो 94% ज्यादा थे इसी 9 महीने में. सो बुरे वक्त में अच्छे वेल्थ मैनेजर के कंसोलिडेशन भी होती है, रेफरेंस भी मिलती है, यही हुआ है पहले 9 महीने में क्लियरली, पॉइंट वन. पॉइंट टू, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है? मार्केट का सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं है, सरप्राइजिंग ये बात है. हम 4-5% पीक से कम है बट इतनी बेरिश सेंटिमेंट है. वो सेंटिमेंट क्या होती है कि HNI बिजनेस में अगर 8200 लोगों के साथ हमारे लोग इंटरेक्ट करते हैं मंथ ऑन मंथ, तो उनकी जो सेंटिमेंट है वो भी हमारे से इन्फ्लुएंस होती है. तो हमारे ये जो 8200 क्लाइंट हैं जिनके पैसे इंटर जेनरेशनल है, वो 2-5 साल को छोड़िए जिंदगी भर आगे की नस्लों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो इक्विटी एलोकेशन है, इसीलिए हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो प्रोपोर्शन थी वो 45% पहले ही हाई मानी जाती है, उसको 48 कर दिया, क्योंकि क्लाइंटों को पता है कि मार्केट अगर एक साल मूव नहीं करती तो ये सस्ते दामों में मिल रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ हुई है. सो सेंटिमेंट इज पॉजिटिव अमंग्स्ट दीज 8200. जनरल अगर आप पूछें तो म्यूचुअल फंड की लास्ट कैलेंडर ईयर में सिर्फ 5% की ग्रोथ हुई है AUMs की, बट हमारी ट्रेल रेवेन्यू 27% से ग्रो हुई है. सो ऑल दीज पॉइंट्स क्लियरली इंडिकेट दैट अच्छे वेल्थ मैनेजर का बुरे समय में और अच्छा चलता है बिजनेस, क्योंकि लोगों की जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है और करंट पैसे हैं वो कंसोलिडेट होने लग जाते हैं, एंड वो जो कैटलिस्ट है वो हम देख रहे हैं ऑलरेडी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सो ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स टू माई माइंड सीम्स मोर सर्टेन नाउ. जी,
साथ में अगर आनंद जी अभी आगे जाके आप बिजनेस सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स शायद ऐसे ही रहेंगे थोड़े समय तक, तो आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? ये जैसी हमारी स्ट्रेटेजी अब तक चली आई है कि हम लोग बहुत कस्टमर सेंट्रिक हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी यही करके देते हैं जिसमें कस्टमर को लॉन्ग टर्म में 12 से 14% रिटर्न कैसे मिले, ये हमारी हमेशा ख्वाहिश रहती है। और इसी चूंकि उस ख्वाहिश को हम पूरा करते आए हैं इतने सालों से, हमारे कस्टमर्स हैप्पी हैं। आगे जाके भी मेरा मानना है कि 20 से 25% की ग्रोथ जो है वो हमारे एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहता है। जैसे आपने देखा इस साल का भी, जैसे मैंने बताया हमने एस्टिमेट दिया था 155 करोड़ का, ऑलरेडी 80% उसकी नॉमिने में हमने बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट कवर कर लिए हैं, और इसीलिए हम इवन रिवाइज कर रहे हैं अपवर्ड रिविजन इन आवर गाइडेंस, 155 से 165 करोड़ की प्रॉफिट की कर रहे हैं। और मेरा मानना है देखिए जैसे जैसे आपको मार्केट में आप कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। दूसरा कारण ये भी है कि जब से मार्केट में हमारी लिस्टिंग हुई है नेचुरली लिस्टिंग का भी एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, एक कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ब्रांड इमेज बढ़ती है। तो इसलिए आगे जाते हुए मेरा यही मानना है कि 20-25% की ग्रोथ हम आसानी से करते रहेंगे कई सालों तक। ओके, तो 20-25% का ग्रोथ आप करते रहेंगे और 165 करोड़ का प्रॉफिट का अभी एक आप गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। साथ में फिरोज, अभी आगे जाके एज जो मार्केट में तो इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं हमने देखा है, मे बी एक टेम्पररी फेज हम ये देख रहे हैं क्योंकि एक वॉलेटाइल सेशंस हमने देखे हैं, तो इन्वेस्टर एज ए पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टर्स को किस तरह की बैलेंसिंग करके रिटर्न वाइज आप दे रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स आप चूज कर रहे हो? चांदनी जी देखिए हमारी जो क्लाइंट की परफॉर्मेंस आती है वो हम डीप रिसर्च करके निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बट अगर आप देखें जो म्यूचुअल फंड का हम व्हीकल का प्रयोग करते हैं इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए ना कि डायरेक्ट इक्विटी, उसमें बेस्ट और वर्स्ट इक्विटी फंड में ही लास्ट एक साल में 40% का अंतर है, 43% का अंतर है। तो उसमें जो हम चुनाव करते हैं जो फंड 11 हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है उस पर हम बहुत रिसर्च करते हैं, 17-18 लोग रिसर्च के उसी में लगे रहते हैं। तो हम लास्ट 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो चॉइस की 9.5 साल जब हमने इजाद किया था हमारा सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विच इज मैथमेटिकली ड्रिवन, उसमें 3.5% 3.17% की निफ्टी पे अल्फा देखने को मिली है 9.5 साल तक। सो आई थिंक मार्केट अच्छा नहीं करती है बट इक्विटी एक बहुत डाइवर्जेंट एसेट क्लास है, सबके यू कांट पेंट ऑल ऑफ देम इन सेम ब्रश, इसीलिए हमने म्यूचुअल फंड का प्रयोग किया और उस पे रिसर्च करते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, MLDs जो हम वापस 10.25 साल से कर रहे हैं उनकी जो मेच्योरिटीज आती हैं उसकी भी प्रदर्शन अगर आप देखें तो 15% प्लस की कंपाउंडेड रिटर्न उसमें भी देखने को मिली है, जो एक MLD और इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड इसमें ही सीमित है। अगर क्लाइंटों की ऑब्जेक्टिव्स मीट ना होंगी तब जाके चौथा पांचवा छठा प्रोडक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम क्लाइंटों को वही रिकमेंड करते हैं जो हम खुद अपने पोर्टफोलियोज में खरीदते हैं। और एक लास्ट सवाल फिरोज जी, आप नेट क्लाइंट एडिशन एक्सपैंड करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? जैसे आप एक ये क्वार्टर में एक थोड़ा हमने देखा है, लेकिन क्या अभी कैसे आप बढ़ाएंगे? यस, तो इसमें हमारे पास एक्सपेंशन के दो यूनिक प्लान्स हैं। हम अपनी जो RM स्ट्रेंथ है वो इंटरनली ट्रेन करके बढ़ाते हैं ताकि उनकी कल्चरल फिट भी हो और उनकी क्लाइंट सेंट्रिसिटी जो राठी जी ने बहुत क्लियरली हमारे लिए फिलोसफी के लिए ले डाउन की है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 350 अकाउंट मैनेजर हैं जो अप्रेंटिस होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, वो शार्प CA होते हैं, IIM से आते हैं, उनको हायर करके हम 3-4 साल ट्रेन करके फिर RM बनाते हैं। तो वो जो नेक्स्ट लॉट है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अगले साल जो प्रमोट होंगे और 40-50 लोग जो RM बनेंगे वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अंडर ट्रेनिंग है लास्ट 2-3 सालों से। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, हमें भारत को कैप्चर करना है, इंडिया तक सीमित नहीं रहना है, मेट्रो तक सीमित नहीं रहना है, इसलिए आप देखेंगे कि हमारे 11 लोकेशन थे बट हमने बहुत सारे छोटे छोटे टियर टू टाउन में हमारे RMs को यहां से ट्रेन करके भेजा है। तो विशाखापट्टनम, कोयंबतूर, नासिक, अहमदाबाद ये सब ऐड हुए हैं। ऐसे हमारे पास 27 लोग और हैं जो भारत में फैलेंगे, जो वहीं के हैं, उस वर्नाक्युलर स्कूल से वहीं के पढ़े हुए हैं, तो वहां ज्यादा रिलेट करने की संभावना है। तो ये स्ट्रेटजी हम 5 साल से सीड कर रहे हैं ताकि 25-30 लोग भारत के अंदर फैल सकें
और वो ऑलरेडी 5-10 साल आनंद राठी में काम कर चुके हैं वहां यूनिट्स. दैट्स हाउ वी वांट टू हैव अ ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड आरएम स्प्रेड. चलिए ऑन दैट नोट राठी जी और फिरोज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द फुल फाइनेंशियल ईयर. तो